हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो के अंदर। आज के इस नई वीडियो का टाइटल आपने देख ही लिया होगा, एडिसन्स, जो कि एडिसन्स का पिन आ गया। मैंने टाइटल ही यही रखा है कि फाइनली दोस्तों अपना एडिसन्स का पिन आ गया। तो एडिसन्स का पिन क्या होता है, एडिसन्स क्या होता है, इसके बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। जैसे जिनका यूट्यूब चैनल नहीं है या जो बनाने वाले हैं उनके लिए काफी अच्छी जानकारी होती है। तो ये एडिसन्स क्या होता है और कैसे इसकी प्रोसेस होती है, कैसे आता है घर पे, तो चलिए आगे बात करते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम है अतीक और आप देख रहे हैं अतीक टाइल्स टेक्निकल। तो मैं लगभग 2-3 साल से मतलब यूट्यूब पे काम कर रहा हूँ और बहुत सारे वीडियोस मैंने बनाए हैं। जैसे कि आप अगर टाइल फिटिंग का काम करते हो या करवाते हो तो आपके लिए बहुत सारे वीडियोस, अभी लगभग 500+ वीडियो मेरी है जो कि आप जाके देख सकते हो और एक दूसरे को शेयर कर सकते हो। पसंद आए तो लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। तो चलिए आज की इस वीडियो हम बात करने वाले थे एडिसन्स के बारे में। तो मैंने एडिसन्स अकाउंट अपना क्रिएट किया था जिसका लगभग पिन जो है वो, अगर बात करते हैं कितने दिन में डिलीवर्ड हुआ है, तो लगभग मेरा जो एडिसन्स का पिन है वो 15 से 18 दिन के अंदर डिलीवर्ड हुआ है, जो कि यूट्यूब का मतलब टाइम भी था, लगभग 2-3 वीक्स में डिलीवर्ड होने का टाइम था, मतलब 2 से 3 हफ्ते के अंदर डिलीवर्ड होने का टाइम था और लगभग 15 से 16 दिन में डिलीवर्ड हो भी चुका है। तो मैंने 2 एड्रेस अपना फिल किया था, एक एड्रेस फिल किया था ऑफिशियल वाला एड्रेस और एक करेंट एड्रेस, मतलब इस एक एड्रेस जो मैं अभी पर्सनल कहाँ पर हूँ और दूसरा एड्रेस जो मेरा मतलब आधार कार्ड पे एड्रेस है, जो कि अपना ओरिजिनल बर्थ प्लेस है, जो आपका मेन एड्रेस है कि जो आपके आधार में होगा, मतलब जो आपके आधार या आईडी प्रूफ में जो एड्रेस होगा वहीं पर डिलीवर्ड होगा। और दूसरी बात यह कि उस एडिसन्स के पिन में क्या रहता है तो आपको बता देता हूँ। यहाँ पर स्क्रीनशॉट देख सकते हो, एडिसन्स का एक पूरा फॉर्म होता है, एक छोटा सा है, तो उसके अंदर रहता है 6 अंक का पिन, जैसे कि 71 61 13, मतलब एक ओटीपी टाइप का पिन रहता है, एडिसन्स पिन वेरिफिकेशन के लिए पिन होता है। तो वेरिफिकेशन पिन अगर आ भी गया तो उसको कैसे अपने एडिसन्स में कैसे जोड़ना है वो भी आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको करना क्या होता है कि क्रोम ब्राउजर ओपन करना होता है। क्रोम ब्राउजर ओपन करके सबसे पहले आपको अपने जो अपना एडिसन्स अकाउंट क्रिएट किया है तो उसको लॉगिन करना होता है। लॉगिन करके आपको उसमें नीचे आ जाना है स्क्रॉल करके, और नीचे आपको दिखेगा वेरिफिकेशन चेक, तो आप वेरिफिकेशन चेक पे क्लिक करोगे। वहां पर क्लिक करने के बाद नीचे आपको एरिया दिखेगा कि वेरिफिकेशन पिन, तो वहां पर आपको अपना जो पिन आया है वो पिन वहां पर सीधा टाइप कर देना है और टाइप करके आपको पब्लिश कर देना है, तो वहां से आपका जो वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो बस एडिसन्स का यही तक काम रहता है कि आपका पिन जो है वो घर पे आएगा, आने के बाद उसका 6 अंक का जो पिन है आप वहां पर डालोगे, यहाँ पर पब्लिश करोगे, आपका एडिसन्स पिन का जो है वो काम खत्म। अगर आपका एडिसन्स पिन आ गया तो ये नहीं कि आपको आज ही अपना पेमेंट मिल जाएगा, वो एडिसन्स पिन इसलिए आता है, गूगल एडिसन्स का पिन जो है वो बस सिर्फ वेरीफाई के लिए आपके मेन एड्रेस पे भेजता है यूट्यूब, ताकि आपका जो एड्रेस है वो वेरीफाई कर सके, आप रियल हो या फेक हो इसी के लिए होता है। तो मैंने भी अपना वेरीफाई कर दिया है, सब कुछ हो चुका है, आगे क्या होता रहेगा आपको अपडेट मिलती रहेंगी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही, फिर अगर कुछ अपडेट रहा तो मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। तो अतीक टाइल्स टेक्निकल से जुड़े रहने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब कर दो यार, अपने छोटे भाई का चैनल है।